जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कार्तिक महात्मय का 17वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुभ निशुभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। ये देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगे। इधर जय और शील नामक शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कुहरे के समान बाणों को चला धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर में छेद कर दिए और मेघ के समान गरजना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठा के मारी और गोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह धरती और गोर गर्जन किया जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। किंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गधा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। वीरभद्र पर परीक का प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।